जी स्टूडेंट्स, तो अब हम 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये वाला काफ़ी डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि इसमें हमने उसमें तो जस्ट हमने एन की वैल्यू पुट करनी थी, सीक्वेंस हमें दिया हुआ था। इसमें हमने टर्म्स ढूंढनी है सीक्वेंस की, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2, 6, 11, 17, सो वी हैव टू फाइंड आउट A7, यानी कि वैल्यू नंबर इस सीक्वेंस की 7th टर्म हमने ढूंढ के लिखनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 से। यहाँ पे आपने देखा कि इसको मैं थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे देखें आप कि उन्होंने हमें A1 दी हुई है, यानी कि पहली वैल्यू जो है वो 2 है और दूसरी जो है वो हम 6 है। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे कि 6 कैसे है, कोई एक ख़ास सीक्वेंस होना चाहिए कि हम कह सकें कि इसमें हम ऐसा क्या करते हैं कि नेक्स्ट वाली वैल्यू बन जाती है। जैसे 2 में अगर हम +4 करें तो 6 बन जाता है, ठीक है, और 6 में हम +5 करें, 4 करेंगे तो 10 बन जाएगा। इट्स मीन के 4 नहीं करना इस बार, इस बार 5 करना है तो 11 बनेगा, और 11 में अगर हम 5 करेंगे तो 16 आंसर आएगा, लेकिन 17 कैसे आएगा, 6। तो हर बार जो प्लस करना है वो एक नंबर इंक्रीज करके करना है। तो चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। A1 2 के इक्वल है, उन्होंने हमें दी हुई है, तो A2 को हमने इस तरह लिख लिया कि 2 में प्लस अगर हम 4 करें तो नेक्स्ट A2 बनता है हमारे पास, ठीक है। 2 हमारे पास A1 वाली वैल्यू, और प्लस हमने क्या किया है यहाँ पे 4, और हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई जो कि है 6। तो अब हम A3 की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 प्लस किया था तो यहाँ पे अब हम 5 कर रहे हैं, इसी तरह तो ये 6 + 5 11 आ गई। नेक्स्ट वाली में हम 5 की जगह 6, यानी कि एक नंबर उससे भी बढ़ा के ऐड करेंगे, तो 11 + 6 17 हो गया। और उससे नेक्स्ट वाली में भी एक नंबर बढ़ा के करेंगे तो A5th जो है वो 24 निकल आएगी, और A6 में भी एक नंबर बढ़ा के लास्ट वाली में 7 किया था तो इसमें 8 करेंगे, तो A6 की वैल्यू मिल गई हमें 32। और A7 तक हमने लास्ट जाना है ना, ये इन्होंने हमें दिया है, तो A7 हमारे पास आ गया। इसमें भी A6 वाली से एक नंबर वैल्यू बढ़ा के करेंगे, उसमें 8 किया था तो इसमें 9 कर दिया और 41 आंसर आ गया। तो हमें A7 की, यानी 7th टर्म जो इस सीक्वेंस की है वो हमें मिल गई। सो अब हम जो है वो पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें भी एक हमें सीक्वेंस जो है वो गिवन है 1, 3, 12, 60। दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा अगेन कि 1 में ऐसा क्या करें, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें, कोई चीज़ प्लस करें, माइनस करें या डिवाइड करें तो नेक्स्ट वाला नंबर बनेगा 3। तो इसको हम इसमें हमने इस सीक्वेंस की 6th टर्म जो है वो ढूंढनी है। पहली हमें 4 जो है वो गिवन है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। A1 हमारे पास 1 है, तो 3 कैसे बन रही है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ 3 तो नेक्स्ट वाली बन जाती है, और 3 के साथ एक नंबर ऐड करके इनमें 3 मल्टीप्लाई किया था तो इसमें 4 कर दिया मल्टीप्लाई, और इस वाली में 5 करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी। तो अब हम इस तरीके से करेंगे, A1 में हमें 1 ऑलरेडी गिवन है, A2 कैसे बनाई हमने कि 1 यानी A1 में हमने मल्टीप्लाई क्या किया है 3, तो ये हमारे पास A1 है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 तो हमारे पास A2 की वैल्यू निकल आई 3। अब हमने एक नंबर बढ़ा के जो है नेक्स्ट वैल्यू में वो ऐड करना है, यानी ये A3 है तो इसमें हमें 3 तो ये वाली वैल्यू A2 की हमने ऐड की, उसके साथ मल्टीप्लाई इस बार 4 किया है, पहले हमने 3 किया था अब एक नंबर बढ़ा के किया 4 तो 12 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 5 मल्टीप्लाई किया, उससे नेक्स्ट वाले में 6 मल्टीप्लाई किया तो A5 की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हमने लास्ट जो A6 की चाहिए थी वो कैसे आ गई, 7 मल्टीप्लाई करने से, तो ये हमारा आंसर आ गया। A6 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम जो है वो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें
ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि फ्रैक्शंस आ गई हैं इसमें, तो A7 तक हमने जाना है। अगेन आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा कि 1 है तो 1 में ऐसा क्या करें कि ये वाला नंबर या वैल्यू बन जाए। तो ए हमने 1 कंसीडर कर ली। अब यहाँ पे देखें कि A2 में हमने क्या किया, ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, ठीक है, ऊपर हमने +2 किया तो नेक्स्ट नंबर 3 बन गया और नीचे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट वाली सीरीज अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा सही से समझ नहीं लगेगा लगी आपको, आई नो, लेकिन अगले में आपको ज़रा ठीक से वाजे हो जाएगा। यहाँ पे देखें हमने इसी को पकड़ा है A2 को और उसमें +2 कर दिया ऊपर ऊपर, जस्ट हमने फर्स्ट में भी +2 किया था और सेकेंड टाइम में भी +2, यानी कि ऊपर हर बार अब हमने +2 ही करना है और नीचे हमने हर बार multiply by 2 करना है, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी, सो इट्स मीन के अब हमने जो नेक्स्ट सीक्वेंस जो है वो नेक्स्ट वैल्यू ढूंढनी है, वो क्या करना है, ऊपर वाली टर्म में +2 कर देना है और नीचे वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है 2। सो जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखें 3 + 2 5 आ गया ओवर 4 और यहाँ पे 5 + 2 7 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं A5 की वैल्यू और A7 तक हमने वैल्यू ढूंढनी है। ये देखें लास्ट टाइम उन्होंने A7 दी है, तो यहाँ पे देखें अगेन हमने 2 ऊपर प्लस कर दिया नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी हमने नेक्स्ट वाली में ऊपर 2 प्लस कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास वैल्यू आती गई। यहाँ पे भी लास्ट वाली A7 हमने निकाली और वो भी ऊपर +2 करके और नीचे multiply by 2 करके। सो आई होप सो समझ आ गई होगी। अब हम जो है पार्ट नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि फोर्थ पार्ट है। इसमें हम देखें तो ये भी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। इसमें क्या है ऐसा, यहाँ पे देखें ये 2 सीरीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा समझना पड़ता है लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक तो ये सीरीज़ है 1 से 3 और 3 से 7, ठीक है, और इसी तरह। और दूसरी सीरीज़ जो है वो अगर मैं आपको यहाँ से निशान लगा के दिखा सकूँ, एक तो नीचे सीरीज़ बना रही थी, अब दूसरी सीरीज़ यहाँ पे है 1 से +5 और +5 से आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बार माइनस की सीरीज़ है ये वाली और ये ऊपर इनके दरमियान दरमियान प्लस की हैं, ये 2 सीरीज़ को मिला के इन्होंने लिखा है। सो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे करना है। A1 को A1 ही लिख लिया क्योंकि पहली है, A2 को भी A2 लिख लिया, ठीक है। अब ये वाली सीरीज़ जो माइनस वाली है वो मैंने इस साइड पे लिख दी है और जो प्लस वाली है वो मैंने इस साइड पे लिख दी है। तो अब हम इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। A1 में अगर हम माइनस को 4 कर दें तो ये देखें -3, यानी कि इस माइनस वाली सीरीज़ का फर्स्ट नंबर बन जाता है, ठीक है। उसमें अगेन अगर हम -4 कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट वाला नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये माइनस वाली सीरीज़ इस तरह हमने बनाते जाना है कि A1 के बाद A3, 2 वाली पॉजिटिव की है, ठीक है, उसको अलग से बना लेते हैं। सो A1 के बाद A3 आएगी, A3 के बाद A5 आएगा, 4 वाली प्लस की है तो उसको मैंने इसलिए एक साइड पे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने जस्ट क्या करना है, माइनस वाली में -4 ऐड करते जाना है हर बार। यहाँ पे देखें A5 में भी A3 हमें ये मिला, उसमें हमने -4 ऐड कर दिया, सही है। और A7 में भी हमने क्या किया, A5 वाली टर्म को लिया -7 और उसमें -4 हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और -11 आ गया। इसी तरह यहाँ पे प्लस वाली को भी देखें, हमने पहला तो हमें गिवन है +1, सेकंड वाली में +4 कर दिया, फिर सॉरी फोर्थ वाली में, इसी तरह फिफ्थ वाली तो माइनस की थी तो फोर्थ वाली हमने ली 6 में 5 और +4 कर दिया, और इसी तरह एट्थ में भी हमने 6 वाली रखी और +4 कर दिया। सो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आते गए और हमें A8 की वैल्यू मिल गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे और वो है पार्ट नंबर 5। इसमें देखें तो यहाँ पे आपको अगेन वही
एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सीरीज दी गई है। एक ये है पॉजिटिव वाली, A5 से A9 एंड सो ऑन, और इसी तरह एक नेगेटिव दी गई है -3 से -7 -11, सही है। तो अगेन दो डिफरेंट सीरीज़ आपको दी गई हैं अलग अलग, आपने इनको अगेन जो है वो अलग अलग फाइंड आउट कर लेना है। किस तरह से करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें कि हमने A1 हमें दी है, गिवन है 1, तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है। इसी तरह अब हमने A2 जो है वो हमें -3 दी गई है, उसे मैंने एक साइड पे लिख लिया क्योंकि ये माइनस वाली सीरीज़ है और ये प्लस वाली सीरीज़ है, तो मैंने इसलिए अलग अलग लिख दी हैं ताकि हम कंफ्यूज कम से कम हो। तो A1 में हमने ऐसा क्या किया है कि 5 बन गया +4, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं +4 किया हमने जब, तो हमारे पास 5 आंसर आ गया, और 5 में भी +4 किया जब हमने, तो हमारे पास अगेन 9 आंसर आ गया, फिर अगेन +4 किया तो हमारे पास 13 आंसर आ गया। तो प्लस वाली में हम क्या कर रहे हैं, +4 करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1 में हमने +4 किया, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव सीरीज़ A2 नहीं, वो नेगेटिव में आता है, A3 बन गई, और A3 से, तो ये इसी तरह पिछले सवाल की तरह ही दो सीरीज़ को मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे भी देखें हमने 3 माइनस किया है, उसमें -4 ऐड कर दिया है, ठीक है। तो उस -7 बन गया, अगेन हमने -4 जो है उसको किया, और यहाँ पे भी हमने अगेन -4 किया, तो हमारे पास A8 की वैल्यू -15 निकल आई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हम जो है वो पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। उसमें क्या पूछते हैं सॉरी, अब हमारा जो है क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी, तो वो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।